आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कश्मीर में 22 मई को शुरू हुई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठक हो रही है। मीटिंग में शामिल होने आए डेलीगेट्स आज कश्मीर के कई खूबसूरत जगहों पर जैसे परी महल, चश्मा शाही, निशांत गार्डन, पोलो व्यू मार्केट घूमेंगे। इसके बाद डेलीगेट्स के लिए एक खास डिनर भी आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है। सरकार यहाँ आने वाले फिल्म मेकर्स की लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन शिफ्ट करने में मदद भी करेगी। इस मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं 22 मई को श्रीनगर पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने स्वागत किया था। मीटिंग में गेस्ट के तौर पर पहुंचे फिल्म एक्टर रामचरण तेजा ने डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म RRR के मशहूर गाने नाट्टू नाट्टू पर डांस किया। उन्होंने कहा, कश्मीर में कुछ जादू है, मैं 1986 से यहाँ कई बार आ चुका हूँ। मेरे पिता फिल्मों की शूटिंग के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग आया करते थे। मैं खुद एक शूटिंग के सिलसिले में 2016 में यहाँ आया था। इससे पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंट्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था, इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहाँ आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह मीटिंग 22 से 24 मई तक होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।